मत ना होने की वजह से मते गिर जाते हैं। ये भी सुना था कि विधानसभा में बहुमत ना होने की वजह से मते गिर जाते हैं, लेकिन ना ये कभी सुना था ना देखा था कि एक सरकार जो बहुमत की सरकार है, उस सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मता इसलिए गिर गया कि बहुमत मुख्यमंत्री के पास नहीं था, सरकार के पास नहीं था। हमने कल जो कहा था वो बात इस बात से साबित हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में हाशिए पर है, पंजाब में अपनी अंतिम सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पर है, क्योंकि आज कैप्टन अमरिंदर की खुद की कैबिनेट में, कैप्टन साहब की खुद की कैबिनेट में 32 में से 30 मते गिर गए, क्योंकि कैप्टन साहब के पास अपनी कैबिनेट चलाने के लिए, कोरम पूरा करने के लिए और मता पास करने के लिए मंत्री नहीं थे, आंकड़े नहीं थे। इस संदर्भ में मैं आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान साहब से कहूंगा, अपनी बात पार्टी की ओर से आप सबके सामने रखेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया जी। जिस तरह राघव चड्डा जी ने दस्या कि शर्म की गल है कि कैबिनेट दे विच जिहड़ी कल मीटिंग सी, 32 मते जिहड़ी कैबिनेट दे विच मते पास कराने होंदे ने, जस्ट फॉरमैलिटी होंदी है, पर क्योंकि अद्धी तो ज़्यादा कैबिनेट जिहड़ी है वह दिल्ली बैठी है, तो सिर्फ 2 मते जिहड़े ने फॉरमैलिटी के तौर पर पास हुए, 30 मते जिहड़े इस करके छड्ड दित्ते गए कि अपने कोले मिनिस्ट्री की जिहड़ी स्ट्रेंथ है वह पूरी नहीं हैगी। तो मैं परसों पीसी जिहड़ी कीती सी उहदे विच भी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि सरकार जिहड़ी है, जिस वेले आपां गल कर रहे हां, सरकार दिल्ली बैठी है, तो अज कैप्टन साहब भी दिल्ली चले गए हैलीकाप्टर ते, हुणे थोड़ी देर पहलां, तो पंजाब जिहड़ा हुण उह किस्मत दे सहारे छड्डिया होया, लावारस है, वैक्सीनेशन है नहीं, कुछ नहीं, तो सरकार जिहड़ी है उह दिल्ली बैठी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के दरबार च बैठे ने। अब कोई कुर्सी बचाउंदा फिरदा, कोई नवी कुर्सी लभदा फिरदा, ते नाल नाल एक होर जिहड़ी गल जिहड़ी पंजाबियां दे खास तौर ते नौजवान पढ़े लिखे नौजवान डिग्री होल्डर्स उन्हां दे जख्मां ते नमक छिड़कण वाली है कि 2 MLA दे बेटियां नूं नौकरी दित्ती जा रही, एक नूं DSP ते एक नूं तहसीलदार, मतलब 3 नौकरियां दित्तियां हुण तक, घर घर नौकरी देने का वादा करके, एक बेंत सिंह दे पोते नूं DSP लाया, तो 2 नौकरियां हुण पाइपलाइन च ने। जिहड़े नौजवान नौकरी ना होण करके, रोज़गार ना होण करके पानी दीआं टैंकियां ते चढ़ के बैठे ने, जिहड़े नौजवान नौकरियां ना होण करके, रोज़गार ना होण करके भाखड़ा नहर वर्गियां नहरां च छालां मार रहे ने, तो फिर उन्हां दा कौन वालीवारस है जी? ते वो हैगा कि जिहड़ियां रेवड़ियां ने अपने घरदियां नूं दित्तियां जा रहियां, कि ये टाइम है कि MLA नूं उन्हां दे बेटियां नूं सीधे तहसीलदार, सीधे DSP भर्ती करो? कोई प्रोसीजर नहीं हैगा पंजाब च, कोई सरकार नां दी चीज़ नहीं, जिहदा जिथे दा लगदा वह लुट्टी जांदे है। पंजाब सरकार जिहड़ी है वह बिल्कुल हाशिए ते पहुँच गई, जिस तरह राघव ने कहा कि कैबिनेट दे विच मते भी नहीं पास हो रहे, इन्हों नूं सरकार चलाउण दा की अधिकार है? हुण तां इन्हां दे अपने भी कह रहे हैं, सुरजीत मान ने कहा उत्थे दिल्ली कि जे नहीं सरकार चल सकती तां कैप्टन साहब नूं बदल दिओ, तां सरकार दे मुखी नूं चेंज कर दिओ, ते हुण पता नहीं उत्थों की लै के आउणगे। मतलब मीडिया दा ध्यान भी सारा उधर है, कोई कोरोना की गल नहीं कर रहा, कोई वैक्सीनेशन की गल नहीं कर रहा, सिर्फ तो सिर्फ गल ये चल रही है मेरे नाल 4 ने, मेरे नाल 5 ने, उहदे नाल 7 ने, मेरे नाल 11 ने, ये हुणे तो ही गोटियां फिट करने की कोशिश कर रहे ने। बेअदबी कांड की कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ तो सिर्फ इन्हें यह लगता है कि हुण 6 महीने रह गए, हुण आपो अपना दा ला लो जो लगता है, पर जनता की कचहरी जदों जाणगे तां इह लोकां दे नफरत दे पात्र बने हुए ने, तां इन्हां नूं जिहड़े लोक साडे कोले कोई MLA जां विधायक है नहीं जिहड़ा उन्हां दी भी हुण लड़नगे आके,
ਇਸ ਬਾਹਰ ਚ ਖੂਨ ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੁਣ ਭਲੱਥ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ देखिए आपके लिए ये नई खबर है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वो एक सस्पेंडेड एमएलए थे, एक्सपेक्टेड था कि कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, आज नहीं तो कल उन्होंने ज्वाइन करना था। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, चले गए लोग तो, लोग अब उनका जवाब दे देंगे। हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, हमारी पार्टी के सभी साथियों के लिए पंजाब के मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं। ऐसे ऑपरचुनिस्ट लोग, मौका परस्त लोग, इन पर ना हम ज्यादा ध्यान देते हैं ना इनकी बात करना पसंद करते हैं। हम पंजाब के मुद्दों की बात करना पसंद करते हैं। और कांग्रेस की आपने जहां तक बात करी, आज भी जैसा आम आदमी पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मान साहब और मैंने कहने का प्रयास किया है कि कांग्रेस अब पंजाब में इतने धड़ों में बढ़ चुकी है, मुख्यमंत्री की लड़ाई से लेकर बूथ इंचार्ज तक की लड़ाइयां चल रही हैं, तलवारें निकली हुई हैं कांग्रेस में, कि कांग्रेस का अब रिवाइवल कोई वैक्सीन लगाकर भी नहीं किया जा सकता। अब कोई हाईकमांड दिल्ली से अगर इनको वैक्सीन भी लगवा दे तो भी कांग्रेस पंजाब में फिर से जीवित नहीं हो सकती। कांग्रेस पंजाब में खत्म हो गई है, कांग्रेस को पंजाब में वोट देना अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। और जो मैंने कहा था, कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, पंजाब में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। और एक ऐसा समय जहां हजारों लोग कोरोना से रोज सूबे में